नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 22 सितंबर दिन मंगलवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या अब तक 169,856 तक पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1314 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 864 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 154,445 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1487 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों को अत्याधुनिक सर्जिकल वार्ड की सुविधा मिलेगी। कैंपस में ही इमरजेंसी के पास बनकर तैयार इस हाईटेक वार्ड का शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों का इसका लाभ मिलेगा और उन्हें प्राइवेट अस्पतालों के मोटे बिल से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को वार्ड का निरीक्षण किया है। पटना मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर अभिजीत कुमार का कहना है कि नए सर्जिकल वार्ड को 4 भागों में बांटा गया है। इस वार्ड में मौजूदा समय के सभी अत्याधुनिक मेडिकल यंत्र लगाए गए हैं। कोरोना के कारण मार्च से बंद चल रहे स्कूल में 9वीं और 12वीं तक के छात्र डाउट क्लियर करने और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जा सकेंगे, लेकिन बिहार में सोमवार से स्कूल नहीं खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 22 सितंबर को स्कूल संचालन के मामले पर महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें स्कूलों पर निर्णय लिया जाएगा। पटना DM कुमार रवि ने कहा कि शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के बाद ही स्कूलों में गतिविधि की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जिन स्कूलों में CBSE कंपार्टमेंटल परीक्षा के सेंटर हैं, उनके बच्चे 29 सितंबर के बाद ही बुलाए जाएंगे। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं होगा। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक अभ्यर्थियों की मेगा सूची NIC पोर्टल पर डालकर आपत्ति भी ली जा चुकी है। आपत्ति का निराकरण कर फाइनल सूची तैयार होगी। चुनाव आचार संहिता के दौरान भी चयनित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच पूरी कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 से ही शुरू हो गई थी, इसी कारण बहाली प्रक्रिया रोकने की मजबूरी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली के मामले पर सुनवाई पूरी कर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरे राम कुमार व अन्य की ओर से इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने दायर इन याचिकाओं के माध्यम से राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें DLED उम्मीदवार को बहाली में प्राथमिक देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही BED उम्मीदवार को बहाली की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इसका फैसला 9 नवंबर को आ सकता है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली निम्न हवा के दबाव की वजह से पटना सहित दक्षिण बिहार के 21 जिलों में 22 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। फिलहाल पटना में रविवार को हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा होने से उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को बादल छाए रहे लेकिन उमस भरी गर्मी भी पड़ी। बिहार में मानसून की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। जुलाई के अंतिम सप्ताह में बिहार में सामान्य से 86% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त के तीसरे सप्ताह भी यह घटकर 27% तक पहुंच गई। हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में किए गए एंटीबॉडीज टेस्ट का पूरा ब्यौरा 2 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करे। चीफ जस्टिस संजय कोरल और जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने दिनेश कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जानकारी मांगी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वह 24 जुलाई को दिए गए निर्देश की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए।
गया का विष्णुपद मंदिर सोमवार को 6 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते मंदिर में भीड़ थोड़ी कम दिखी, करीब 200 लोग दर्शन के लिए पहुंचे। आम दिनों में यहां 500 से 1000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त मिली। बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित लोगों को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। इसके बाद 21 सितंबर से बिहार के अधिकांश मंदिर खोल दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार उम्र के हिसाब से लोगों को वोट करने का मौका मिलेगा। बुजुर्ग, युवा और महिला वोटरों के मतदान का अलग अलग समय तय किया गया है। सबसे पहले बुजुर्ग को वोट करने का मौका मिलेगा, इसके बाद युवा और महिलाएं वोट कर सकेंगे। पटना DM कुमार रवि ने इसको लेकर सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अभी वोटिंग का समय तय नहीं हुआ है। DM का कहना है कि समय तो निर्धारित होंगे, लेकिन अगर कोई देर से आता है तो उसे वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत सोमवार को अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सांस लेने की समस्या आने पर उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरद यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। JEE मेन के स्कोर पर ही बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JEE मेन में शामिल बिहार के छात्रों की लिस्ट के आधार पर यह एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। इसके बाद उसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। इस बार सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। नए सत्र 2020-21 में 210 बढ़ी हुई सीटों पर एडमिशन होगा। 2019 में सीटों की संख्या 9155 थी, वहीं नए शैक्षणिक सत्र में सीटों की संख्या बढ़कर 9365 हो गई है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सत्र से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी हो गई है। यह परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परीक्षा तिथि 22 सितंबर यानी आज से राज्य के 10 शहरों में आयोजित हो रहा है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर व पूर्णिया में स्थित 278 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पटना में 84 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 122,331 परीक्षा परीक्षा देंगे, जिसमें नियमित BEd के 116,130 छात्र, दूरस्थ शिक्षा से BEd के 6,020 छात्र व शिक्षा शास्त्री के 181 छात्र सम्मिलित होंगे। राज्य में लंबित पड़े SC/ST मामलों का निपटारा 20 सितंबर तक करने का टास्क मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में दिया था। ST/SC अत्याचार निवारण एक्ट के अंतर्गत गठित कमेटी की राज्य स्तरीय समीक्षा के दौरान CM ने यह आदेश दिया था। इसके मद्देनज़र सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई के लिए 9 जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के स्तर से इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है और अब हाईकोर्ट को अंतिम स्तर पर अनुमति के लिए भेजा जाएगा। जिन 9 जिलों में कोर्ट का गठन होना प्रस्ताव है, उनमें दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और नवादा जिला शामिल है। राजधानी पटना में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा के घर का घेराव कर दिया। शिक्षकों की यह मांग है कि कोरोना काल में अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जिससे शिक्षक नाराज चल रहे हैं और राज्य के हर जिले से शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा के आवास का घेराव किया है। आंदोलनकारी शिक्षकों की मांग, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर है। इस बारे में शिक्षकों ने कहा कि वो शारीरिक शिक्षक अनुदेश और STET की परीक्षा में उन्हें सफलता हासिल हुई थी, लेकिन अब तक बहाली को लेकर कुछ नहीं किया गया है। और अंत की सबसे बड़ी खबर रेलवे परीक्षा को लेकर है। अगर आप NTPC का फॉर्म भरे हुए हैं तो आपके लिए एक नोटिस जारी किया गया है।
जिसमें बताया गया है कि जो एनटीपीसी का परीक्षा 15 दिसंबर से होनी है उसके लिए स्टेटस जारी कर दिया गया है। मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना स्टेटस दे सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ। बस यही आपका अभी तक नोटिस आया हुआ रेलवे की तरफ से। तो आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बिहारी मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।